Hello students, we were discussing the general organic chemistry and in the previous videos we have discussed all the type of IUPAC. उसमें दो तीन चीजें छोटी हैं, वो जब होंगी तब जब आप उस टाइप का कोई मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज उसमें भी जो रूल है वही लग रहे हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर के अंदर और नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा आइसोमेरिज्म, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आइसोमेरिज्म, इसको समझिए क्या होता है आइसोमेरिज्म। देखिए सपोज वी हैव एन एम्पिरिकल फॉर्मूला, समझ गए ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला से हमें जस्ट नंबर ऑफ एटम का पता लगता है, नंबर ऑफ डिफरेंट एटम, ठीक है। जैसे मैंने कहा अल्कोहल है C2H5 हो गए, इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिकॉज यहां मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है किसका, अल्कोहल का, यहां समझ आ रहा है कि OH है, लेकिन यहां क्या होगा C2H6O, यहां क्या पता लगता है, ठीक है। एक और कर लेते हैं CH3CO, एसीटोन है इसका नाम, तो C3H6O, यहां क्या पता लग रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब कभी दो मॉलिक्यूल का बैंड, टू मॉलिक्यूल्स हैव सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब यहां से ये वाला सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, देन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब बैठ लो वहां पर आराम से और मैं आराम से पढ़ देता हूं, क्लास नहीं होगी तो बाकी बनाना। इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। ये आइसोमेरिज्म है, सिंपली मैं आपको बताऊं कि अगर हमने किया है CH3CO, इसका फॉर्मूला C3H6O है, और अगर मैं करूं CH3CH2CHO तो इसका भी फॉर्मूला C3H6O है, फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, सो दे आर आइसोमर्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दीज मॉलिक्यूल, दिस प्रॉपर्टी ऑफ दीज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, ठीक है। सो वी हैव सम टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, बहुत सारे टाइप होते हैं आइसोमेरिज्म के, इसको कैटेगराइज करना है, क्लासिफाई करना है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप का आइसोमेरिज्म होता है और कैसे हमको उसको करना है, कितना हमारे सिलेबस है, ये अभी अभी डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहला होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है बेटा हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आसान है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्दर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर दो पार्ट होते हैं, दो से ज्यादा होंगे, सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, सेकंड आएगा आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फिर आएगा आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, फिर आएगा आपका मेटामेरिज्म, ठीक है। एक और होता है टोटोमेरिज्म, जो अभी आपको नॉमेनक्लेचर में भी पढ़ाया था, तो वो भी यहां पर हम मेजर कर लेंगे,
हाँ कई बार ये फंक्शन ग्रुप आइसोमेरेज पोजीशन से रिलेट करता है, कई बार पोजीशन मेटा से करता है, मेटा ऑटो देखते हैं कैसे करेगा। फर्दर स्टीरियो आइसोमेरेज के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज, ठीक है, और उसके बाद होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरेज, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, आपका कंपटीशन पर्पज से, तो इसको सेपरेटली हमको पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस में इसका ये मान के चलिए इंट्रोडक्टरी पार्ट है। हाँ लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम सारे रूल जरूर पढ़ेंगे, एप्लीकेशन कम पढ़ेंगे, ठीक है, बट ये वाला हमारे कंप्लीटली सिलेबस में है और इसको वन बाय वन डिफाइन करते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फटाफट स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं। चलिए ये जो चेन आइसोमेट्रिक में है ये आप पढ़ के आ चुके, ठीक है। पहला है चेन आइसोमेरेज, ये आप पढ़ के आ चुके, आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है, वहां पढ़ा था हमने कि कितने आइसोमर हो सकते हैं ब्यूटेन या पेंटेन के, जो हम पढ़ रहे थे वो सब क्या थे, चेन आइसोमेरेज। चेन आइसोमेरेज में सिर्फ और सिर्फ आपका हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन ही अल्टर होगा, ठीक है। अल्टरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन विल बी अकर्ड इन चेन आइसोमेरेज। सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लिया मैंने ब्यूटेन का, और ये भी एन ब्यूटेन है, अब तो आपको नाम पता होना चाहिए क्योंकि इसको नॉर्मल है एन ब्यूटेन बोल, ठीक है, एन ब्यूटेन मैंने इसका नाम लिख दिया एन ब्यूटेन, ठीक है। चलिए मैं इसी फॉर्मूले से एक दूसरी स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जिसमें केवल चेन का मैंने अल्टर किया है और कुछ नहीं किया, अल्टरेशन ऑफ चेन मैंने किया है, इट इज टू मिथाइल प्रोपेन, क्या हुआ टू मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। जब ये टू मिथाइल प्रोपेन हुआ, देखिए अब यहाँ क्या हुआ कि नाम बदल गया, नाम बदल गया तो मतलब मॉलिक्यूल बदला, मॉलिक्यूल मतलब मतलब उसका स्ट्रक्चर बदला। चलिए फॉर्मूला चेक कर लेते, सी फोर एच चार टेन और यहां सी फोर एच टेन, तो क्या फॉर्मूला सेम नहीं है, क्या स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर चेंज आइसोमेरेज, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था फर्स्ट एग्जाम्पल, आप दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल में आप चलिए मैं पेंटेन लिख देता हूं, एन पेंटेन मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बहुत सारे आइसोमर बन सकते हैं, जैसे कि पहला आइसोमर टू मिथाइल ब्यूटेन होगा, नाम आप खुद लिख लीजिए, ठीक है। पहला आइसोमर ए मैंने लिखा टू मिथाइल ब्यूटेन, दूसरा आइसोमर इसका मैं लिख रहा हूं टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। दूसरा आइसोमर मैंने लिख दिया टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन, दो आइसोमर बन गए इसके, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर चेंज है, इट इज सी फाइव एच ट्वेल्व, ठीक है, एक दो तीन, तीन आइसोमर हो गए इसके। तो ये था आपका चेन आइसोमर, इसमें केवल चेन चेंज होगा, कौन सा चेन चेंज होगा, हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। चलिए स्क्रीन शॉट लें फटाफट, इसके बाद नेक्स्ट करना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरेज। सेकेंड है अपना फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरेज, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरेज में क्या करना होता है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, ठीक है, यहां फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, जैसे कि अभी अभी एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री इट इज प्रोपेनोन, इट इज प्रोपेनोन,
और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CH3CH2CHO, इट इज प्रोपेनॉल। ठीक है, फॉर्मूला C3H6O, फॉर्मूला C3H6O, फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर चेंज, फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर चेंज। ठीक है, तो इसमें क्या होना है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, बट सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन चेंज इन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन फंक्शनल ग्रुप C3H6O, एसीटोन भी हो सकता है C3H6O, आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। चलिए थर्ड करते हैं, पोजीशन आइसोमर, जब पोजीशन आइसोमेरिंग करना हो तो वहां पर क्या करना होता है कि यहां नाम से ही पता लग रहा है कि पोजीशन आइसोमेरिंग, पोजीशन पे चेंज होगा, किसके फंक्शनल ग्रुप पे चेंज होगा और उससे क्या चेंज होगा, या मैं लिख देता हूं पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज चेंज हो जाती है। ठीक है, फॉर्मूला तो सेम रहना ही है, पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप चेंज होने से क्या क्या चेंज होगा, एक तो नाम बदल जाएगा, नाम भी बदल जाएगा तो स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। ठीक है, नाम भी बदलेगा स्ट्रक्चर, जैसे कि CH3CH2CH2OH, ठीक है, क्या नाम होगा इसका, प्रोपेनॉल, प्रोपेन वन ऑल होगा इसका नाम। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, C3H8O, मैं यहां पर इसका चेंज में कर देता हूं थोड़ा सा, CH3CHOH पोजीशन चेंज कर दिया फंक्शनल ग्रुप का, तो जैसे ही फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज किया तो नाम आया प्रोपेन टू ऑल, क्या नाम आया, प्रोपेन टू ऑल, जब प्रोपेन टू ऑल नाम आया तो फॉर्मूला इसका सेम ही रहा C3H8O, तो यहां केवल क्या मिला, चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो इसलिए इसको पोजीशन बोल दिया, इजी है, ये सारे इजी है, वैसे अगर इनका नाम याद रहेगा तो डेफिनेशन और एग्जांपल खुद याद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बहुत ही अच्छा है मेटामेरिज्म, ये स्पेशल आइसोमेरिज्म है जो कि केवल एक ही टाइप के लगभग फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड होते हैं, जैसे कि आपका ईथर है वही मिलेगा, और टोटोमेरिज्म अपने आप में आइडेंटिकल है, उसका भी पता ही है कि वो अल्कोहल और कीटोन के बीच में होता है। ठीक है, चलिए ये दोनों मतलब एक आइडेंटिकल मॉलिक्यूल नहीं मिले, इनका फिक्स है। चलिए तो नेक्स्ट करना आप मेरे को कौन सा आइसोमर, मेटामेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म, ठीक है, यहां चेंज है, ठीक है, चेंज किसका है, चेंज इन अल्काइल चेन, ठीक है, ऑन द बोथ साइड ऑफ ईथर, ठीक है, ईथर के दोनों साइड के जो चेन होगी, जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओ आर, ये सेम भी हो सकता है और ये डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, आर जो अल्काइल चेन है सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी, इट में भी सेम और डिफरेंट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, तो CH3O CH2 CH2 CH3, ये मैंने एक ईथर का फॉर्मूला लिख दिया, अगर मैं इसका जनरल नेम लिखूंगा, देखिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं उसका, C4H10O,
ठीक है, C4H10O इसका फॉर्मूला है। जनरल नेम मैं इसका लिखूंगा तो ये मिथाइल है और ये प्रोपाइल है, तो एबीसीडी में अल्फाबेटिकली M पहले आता है, तो यहां लिखूंगा मैं मिथाइल, क्या लिखूंगा मिथाइल, फिर प्रोपाइल ईथर, ये इसका जनरल नेम है। लेकिन अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगा तो IUPAC में गो फॉर द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर द चेन 1, 2, 3। अब ये जो पूरा है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, जिसका नाम अल्कोक्सी होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल कार्बन इट विल बी मिथोक्सी, क्योंकि वर्ड रूट मिथ आ गया है, तो वन मिथोक्सी प्रोपेन इसका नाम हो गया। तो ये तो थे दो नाम इसके, इसी कंपाउंड के। अब मैं इस कंपाउंड का एक आइसोमर बनाता हूँ, इसकी अल्टर कर देता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन चेन रहेंगे, इस बार दोनों साइड मैंने बराबर कर दिया था, ठीक है। फॉर्मूला तो अभी भी C4H10O ही है, ठीक है। नाम इसका जनरल नेम लिख लेते हैं पहले, इथाइल इथाइल ईथर लिखने की बजाय इस बार इसको डाई इथाइल ईथर लिख लेते हैं, डाई इथाइल ईथर। और अगर IUPAC लिखना है तो इसको लिखोगे 1-ethoxy इथेन, इसका नाम आ जाएगा 1-ethoxy इथेन। अब आप देखिए कि यहां एक कार्बन, तीन कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन, फॉर्मूला वही था, केवल चेंज इसमें हुआ, केवल अल्काइल चेन में चेंज हो गया, R बन गया R डैश, ठीक है, ये चेंज हो गया है। तो इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। एंड द टू मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ मेटामेरिज्म आर कॉल्ड मेटामर, ये भी आप याद रखेंगे, मेटामर्स इनको बोला जाएगा मेटामर्स, ठीक है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले आओ। फिफ्थ एंड लास्ट टॉटोमेर, ठीक है। अब टॉटोमेर क्या होता है, ये एक फंक्शनल ग्रुप वाला ही, इसमें होता है कीटो इक्विलिब्रियम इनोल, तो नाम से ही आप समझ जाइए, कीटो मतलब कीटोन, ओल मतलब अल्कोहल, इनोल मतलब इन मतलब डबल बॉन्ड कंसिस्ट है उसके अंदर, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ डबल बॉन्ड। तो इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं, CH3CO CH3, ठीक है। अब अच्छा इसका उल्टा करना पड़ेगा, कीटो इनोल फॉर्म, बात तो ठीक है, चलिए इसको डीसी कर लेते हैं, CH3CH CH3OH, ये मैंने कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म्स जो है आपस में इक्विलिब्रियम में रहता है हमेशा, जब आपको जरूरत पड़े इसको इसमें बदलने की कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली चेंज चल रहा है, जस्ट इक्विलिब्रियम लगाइए और इसको यूज कर लीजिए। अगर आपको कीटोन से अल्कोहल चाहिए डबल बॉन्ड वाला, तो आप इसको टॉटोमेरिज्म यहां बता सकते हैं, ठीक है, या डबल बॉन्ड इनोल फॉर्म से अगर आपको कीटोन चाहिए तब भी आप फ्री में, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं करना है, याद रखना है ये दोनों फॉर्म आपस में क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है ड्यू टू द स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबल होना चाहता है, लेकिन स्टेबल यहां हो गया, ठीक है, इसके बाद ये डबल बॉन्ड बना अल्कोहल में बन गया, यहां भी ठीक है, ये कार्बन अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज था, अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन चेन, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन चेन, अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन का नाम लिखूं सो नंबर लिखूं तो इट विल बी C4H8O, और यहां C4H8O अभी भी सेम कर, ठीक है, C4H8O ये चल रहा है इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हो गया टॉटोमेरिज्म, आपका कीटो फॉर्म कीटोन होता है, इनोल फॉर्म इन
ईन मतलब डबल, ओल मतलब अल्कोहल, ये चलेगा। ठीक है, मैंने कहा था कि लास्ट वाले दो स्पेशल हैं, ये ईथर में होता है, ये आपका कीटो इनोल में होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये था आपका आइसोमेरिज्म। इसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अभी डिस्कस किया है, इसके बाद हमें करना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलिए उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका कर लेते हैं, बाकी खत्म तो कल ही हो पाएगा, अभी तो नहीं हो पाएगा एकदम। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिनिश्ड, खत्म हो चुका। आइसोमेरिज्म का पार्ट सेकंड है जो है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके बारे में एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इट इज काउंटेड इन 3D, ये 3D में चेक होता है। एक वर्ड है मोइटी, MOIET वाली मोइटी ऑफ कार्बन, कार्बन के जो चार बॉन्ड है उनको कैसे हमने 3D में रिप्रेजेंट किया है, एंगल क्या है, या फिर उसको स्टेबल कैसे कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, दैट इज काउंटेड इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में वहां आइसोमेरिज्म बनती है। ठीक है, फर्दर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट हैं, एक है आपका ज्योमेट्रिकल, इसको आप देख करके बता सकते हो, सिंपल है, विद फॉर्मूला आपने कॉपी पर लिखा देखिएगा। दूसरा है आपका ऑप्टिकल, ये आपका एक्सपेरिमेंटल भी है। ठीक है, बट इसके कुछ रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, अगर आप वहाँ उनको पढ़ेंगे तो उससे बहुत हद तक आप पता पाओगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। इसके फर्दर ऑप्टिकल के बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल करेंगे हम कल, आज हम करेंगे ज्योमेट्रिकल। ठीक है, चलिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मल्टीपल बॉन्ड इसमें मस्ट है, अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है फिर कोई फायदा नहीं, फिर तो स्ट्रक्चरल ही आप कर ले, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल बॉन्ड मस्ट है। जैसे कि और कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, मल्टीपल मतलब डबल बॉन्ड ही होना चाहिए, ट्रिपल भी ना हो। ठीक है, इसको डबल लिख ली, मल्टीपल ही हो जाएगा डबल। ठीक है, चलिए मैंने स्ट्रक्चर बनाई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड दीज बॉक्स। ठीक है, अच्छा अब ये क्या होगा, क्या इसका हम बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल है, क्या हम बता सकते हैं? अच्छा, मतलब प्लेन चेक करना है इसका। ठीक है, चलिए इसका प्लेन चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको कहूँ कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड, दोनों एक ही जैसे हैं, कार्बन यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, कार्बन यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, जिसमें कि वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहा है, प्लेनर स्ट्रक्चर में है, दिखाई दे रहा है sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में, मींस टोटल मॉलिक्यूल मतलब ये कार्बन दोनों ही एक ही प्लेन में होंगे, और जिस प्लेन में ये वाला बॉन्ड है उसी प्लेन में इसके बाकी दो बॉन्ड भी होंगे, इसी तरह जिस प्लेन में ये वाला बॉन्ड है उस कार्बन में दूसरे कार्बन में भी बाकी दो बॉन्ड उसी प्लेन में होंगे। इट मीन्स द टोटल जो मॉलिक्यूल है इट विल बी प्लेनर, ये भैया प्लेनर मॉलिक्यूल है। अभी जो प्लेनर मॉलिक्यूल है इसमें आइसोमेरिज्म शो कैसे करनी है ये हमें चेक करना है। तो मैं अपने पास कुछ फंक्शनल ग्रुप या आप उसको मॉलिक्यूल बोल लो, मॉलिक्यूल फंक्शनल ग्रुप बोलिए, या फिर बोलिए आप जस्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बस इतना बोलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैं अपने पास रख लेता हूं। ठीक है, सपोज मैंने फंक्शनल ग्रुप रखे चार बॉन्ड मुझे फिल करने, A, B, C and D। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या बनता है, पहला केस कि मैं दोनों पे जितनी भी वैलेंसीज हैं उनको सेटिस्फाई करा दूं, बिल्कुल सेम फंक्शनल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन से, सो देयर विल बी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, सेकंड केस, अगर मैं एक वैलेंसी किसी दूसरे से सेटिस्फाई करा दूं, बाकी वैलेंसी एज इट इज रहने दूं, तब भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं GI 0 लिखो,
ज्योमेट्रिकल आइसोमर जीरो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जीरो। अच्छा अभी बीच में एक बात, एक सेंटेंस में आपको बताना चाह रहा हूँ कि कई बार आपको पूछता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दे दिया टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पूछ लेगा, तो उसमें जितने भी आइसोमर आपने पढ़ी है सारी अप्लाई कर देगा, ठीक है। या पर्टिकुलरली अगर पूछते हैं टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो में, स्टीरियो में दोनों काउंट होंगे, अकेला पूछता है अकेला पूछ ले, सारा पूछ ले सारा पूछ ले, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना इस बारे में। चलिए थर्ड केस अगर मैं कहूँ कि मैंने दो वैलेंसी सेटिस्फाई कराई है दो डिफरेंट, ठीक है, दो वैलेंसी सेटिस्फाई कराई है दो अलग सेकेंड टाइप के फंक्शन ग्रुप से, तो अब यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है कैसे, ये देखिए ठीक है। तो जब सेम ग्रुप सेम साइड आएंगे क्या होगा, अच्छा इन्हीं में चेंज हो सकता, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, एक सेकंड दिया, कार्बन चेंज नहीं होना चाहिए, तो एक बी इसके पास है एक बी इसके पास है इसके पास है एक इसके पास, ठीक है। तो सेम ग्रुप सेम साइड हो गए, सेम ग्रुप सेम साइड, तो क्या होगा बेटा, इट इज सिस फॉर्म, क्या बोला जाएगा, सिस फॉर्म, सिस मतलब सेम फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर ये बी यहां है यही रहने देते हैं, ए यहाँ है ए रहने देते हैं, इसको हमने फ्लिप को मार दिया, इसको फ्लिप कर दिया, ए के सामने ए और बी के सामने बी, ठीक है, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। कितनी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ इस वाले मॉलिक्यूल के, थर्ड वाला जो मॉलिक्यूल है, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे दो, ठीक है, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे दो, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी टू, ठीक है। चलिए फटाफट चीज छोड़ लीजिए, अभी हम गए हैं कि हमने एक ही टाइप का, सॉरी दो टाइप के फंक्शन ग्रुप यूज कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अभी देखिए एक चीज बहुत ही कॉमन होती है, हम उसको बार बार काम कर लेते जबकि नहीं करनी होगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल, तो इस बार में कितने दो दो मैंने बी टाइप लिया था, इस बार मैं तीन बी टाइप ले लेता हूं, यानी कि ये बी बी सॉरी बी एंड बी और यहां पर के, फर्क क्या हुआ, फर्क कुछ भी नहीं हुआ, यहां तीन जो आपके फंक्शन ग्रुप हैं वो सेम है, यहां भी तो तीन सेम ही थे, तो ये सेम एज क्या हुआ, सेम एज एग्जांपल टू नहीं हो गया क्या, बताओ भाई, वहां ये था यहां भी, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऐसा तो अभी भी नहीं बनेगा, एटलीस्ट टू तो कम से कम, दो तो कम से कम चाहिए, ठीक है। चलिए फिफ्थ है, इस बार में तीन टाइप के फंक्शन ग्रुप यूज कर लेता हूं, ए ए और अच्छा इस बार यहां करना पड़ेगा ए ए और यहाँ बी और यहाँ सी, यहाँ हो सकता है, यहाँ फंक्शन ग्रुप पॉसिबल है, रीजन अभी हम इन दोनों मॉलिक्यूल इन दोनों फंक्शन ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ए के रेस्पेक्ट में देख लेंगे, ये वाली फॉर्म हमारी सी से है और इसका अगर ट्रांस में बना दूं, अच्छा सी ना लेते ई ले लेते डी ले लो, सी तो बराबर नहीं, डी ले लो आप, ए बी सी छोड़ के बी ई ऐसे कर, तो ये सी छोड़ दिया यहां डी और ए, तो ये ट्रांसफॉर्म आ गया, ये इसके ए के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये दोनों देखो सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड अपोजिट साइड, तो यहां ट्रांसफॉर्म आ गया, इसके फिर से ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बन गए, ठीक है। मैंने क्या किया, तीन फंक्शन ग्रुप सेम लिए थे, अगर मैं चार के चार फंक्शन ग्रुप सेम ले लूंगा तो फिर किसी के रेस्पेक्ट में ना तो कोई सीस होगा ना कोई ट्रांस होगा, एक स्पेशल केस है वहां हो सकता है, ठीक है, उसको कल ही बता देंगे, उसका एग्जांपल क्या है उसको मैं बता देता हूँ आपको, सपोज ये मेरे पास है और एबीसीडी ना लिखे, इस बार मैंने लिया सी एल ओ एच एच और बी आर, ठीक
ठीक है, ये सिस फॉर्म है, भले ये चार अलग अलग वैलेंसी सेटिस्फाई है। सिस फॉर्म क्यों है? क्योंकि ये भी उसी ग्रुप का है, 17 ग्रुप का, ये भी 17 ग्रुप का है, और ये भी आपका हाइड्रोजन है, ये भी आपका हाइड्रोजन है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, मतलब प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है, लगभग सेम सी प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको सिस बोल दूंगा। और फिर मैं इसको पीआर कार्बन डबल बोन कार्बन सीएल ओएच और एच इसको मैं ट्रांसफॉर्म बोल दूंगा विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन। ठीक है, अगर मैं इसको हेलोजन को एक्सेसरी परसेंट करूं तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये अभी तक इतना हुआ है कि हमने फंक्शनल ग्रुप वाला, सॉरी, जो आइसोमेरिज है, हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज सिस और ट्रांस यूज किया है, और सिस और ट्रांस के अंदर हमको क्या बातें याद रखनी है, ये चार पांच एग्जांपल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और इसको भी सिक्स मान लो एग्जांपल का, ये भी हो जाएगा, ठीक है, सिक्स एग्जांपल की आप करें। ठीक है, तो आज के लिए तो अभी इतना ही है, बाकी कल स्टीरियो आइसोमेरिज को बहुत ज्यादा डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज अगर अभी पढ़ लिया तो पढ़ लिया, ट्वेल्थ में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि स्टीरियो आइसोमेरिज आपको अलग से पढ़ने को मिले। ठीक है, स्टीरियो में, हाँ सॉरी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज जो है, ऑप्टिकल में आपको जरूर पढ़ाऊंगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।